उन्होंने अप्लाई नहीं किया, हाँ हाँ, तो रुक्सिन जेट से उनको वापस भेज दी। उसी मोमेंट से वो उसका पता नहीं किन लोगों के बारे में बता रहे भाई साहब, लेकिन जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिन्होंने ऐसा बात बोला है रिगार्डिंग दिस पीपल, शेम ऑन यू गाइस। So, क्या लिखा है गाइस? वेलकम टू स्क्रैचिंग एट द स्कार्स यू लेफ्ट ऑन माय स्किन। वी फाइट एंड वी राइज थ्रू इट ऑल टिल वी फाइंड व्हाट वी वांट देन वी लूज इट ऑल अगेन। योर टच ऑन माय स्किन, पुल मी क्लोज, टेक मी इन, जस्ट मी, जस्ट यू, लॉस्ट इन द मोमेंट। गाइस, हियर इट इज रिटन, वेलकम टू माय डियर फर्स्ट 2655 meters। So good morning guys, good morning from Pasighat. Today is the last day here at Arunachal Pradesh, not at Arunachal Pradesh but at Pasighat. यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मित्र आ गए थे, she is shy, that's why बात नहीं करना चाहते कैमरे में, और एक कांड हो गया, बताते हैं मोटो ब्लॉग में। चलिए चलिए भाई, थैंक यू सो मच। ये सब्सक्राइबर मित्र है पासीघाट के, थोड़े से शर्मीले किस्म के है इसलिए बात नहीं कर रहे, लेकिन इनका एक कम्प्लेन है, वो कम्प्लेन दे रहे थे हमें। हाँ, तो सबको पता है अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको आईएलपी चाहिए, ऑब्वियसली आईएलपी चाहिए। हाँ, आईएलपी उन्होंने अप्लाई नहीं किया, हाँ हाँ, तो रुक्सिन जेट से उनको वापस भेज दी। उसी मोमेंट से वो कुछ उल्टा सीधा की तरह ये है। ऑब्वियसली कभी भी आप आते हो ना, प्रोसीडियर समझ के आना पड़ता है, वही बात है। कहना है कि अगर आप इसी देश के वासी हैं, ऑब्वियसली हैं, पड़ोस की स्टेट के वासी, हाँ हाँ, तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपकी स्टेट के आस पड़ोस में क्या सिस्टम है, सिस्टम है, नॉलेज रहना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपकी खामी है। ठीक है भैया, चलते हैं। ठीक ठीक, जरूर जरूर, अगले साल। तो यही पे स्टे था, होटल पानेर, फूडिंग एंड लॉजिंग पासीघाट। सो बाय बाय पासीघाट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो भाई मिले थे ना, ये हमसे बोल रहे थे कि बुरा लगता है अगर कोई यूट्यूबर वगैरह आके अनाप शनाप बकता है हमारे जगह के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। तभी सुनने को आया कि कोई यूट्यूबर लोगों का ग्रुप आया था, रुक्सिन तक वापस चले गए लोग, उनको एंटर करने को नहीं मिला अरुणाचल में। तो भाई बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने बहुत अनाप शनाप बका है अरुणाचल को लेके। उन्होंने कुछ बका था कि अरुणाचल के लोग आसाम में आते हैं, एंटर नहीं करने देते, अरुणाचल तो चाइना से मिला हुआ है, फलाना ढिमकाना। भाई इज्जत करना सीखो लोगों की, और अगर आते हो ना, प्रॉपर प्रोसीडियर वगैरह पता करके आओ। किसी स्टेट का अगर लॉ एंड ऑर्डर है उसको रेस्पेक्ट करो और पता करके आओ, और ऊपर से इतना नॉलेज तो रखो कम से कम, क्योंकि आसाम के बॉर्डरिंग में चाइना वगैरह है नहीं, अरुणाचल में है बॉर्डरिंग कंट्री में। तो दीज आर सेंसिटिव प्लेसेस, यहाँ पे आईएलपी की सख्त ज़रूरत है, आपको चाहिए होगा स्पेशल परमिशन, तभी ओनली यू कैन एंटर। चाइना के लोग अरुणाचल के लोगों से मिले हुए हैं, ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं किन लोगों के बारे में बता रहे भाई साहब, लेकिन जिन्होंने ऐसा काम किया है, जिन्होंने ऐसा बात बोला है रिगार्डिंग दिस पीपल, शेम ऑन यू गाइस। वेल एनीवेज, बाय बीइंग पॉजिटिव, स्टार्टिंग द राइड टुवर्ड्स मायोदिया। टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मायोदिया, अरुणाचल प्रदेश, एंड राइट नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स रोइंग। रोइंग से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स मायोदिया, व्हिच इज अराउंड 110 और 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड राइट नाउ द टाइम इज 11:48 AM। ऑन माई राइट ये रहा डोनियल हंगो, जहाँ पे हमने स्टे किया था, बहुत ही वाहियात वाला होटल। कान पकड़ लो, कभी मत आना इधर में वाहियात। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़े मेले से फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, सो कल गए थे हम लोग यहाँ से स्ट्रेट टूवर्ड्स रेंगिन, और आज यहाँ से जाएंगे हम लोग राइट टूवर्ड्स रोइंग। सो बाय बाय मेचुका साइड, होपफुली विल विजिट इन फ्यूचर। और आज पहाड़ों में मेघ बहुत है, तो मे बी बारिश होगी शायद, नीचे नहीं लेकिन ऊपर ही से होनी तो चाहिए बारिश मेरे ख्याल से शायद। उस दिन शाम को हम इस ब्रिज को क्रॉस करके गए थे उस तरफ होटल ढूंढने के लिए, तब हमें पता नहीं था कि ये पासीघाट ब्रिज है। सो दिस इज़ पासीघाट ब्रिज गाइस। वहाँ एकदम बड़ा फुटबॉल जैसा चांद दिख रहा था, और आज व्यू देखो ना, लुक एट दिस व्यू मैन, वाओ, लुक एट दिस व्यू, बादल, बादलों के नीचे पहाड़, नदी, वंडरफुल वंडरफुल, पूरा एकदम लैंडस्केप, पैनोरमिक व्यू ऑफ माउंटेंस बोलते हैं ना, यहाँ से शुरू होकर एकदम उधर वहाँ तक पूरा पैनोरमिक व्यू ऑफ माउंटेंस। और उसी पहाड़ी के ऊपर ऊपर चढ़ के जाएंगे हम अभी, और आगे जाके दो टर्न है, जो लेफ्ट हैंड साइड जाता है वो जाता है इंकियोंग विलेज, और राइट हैंड साइड का हमें लेना पड़ेगा
नॉट ओनली इंक्योंग बट मारियांग ऑल्सो, मारियांग यहाँ पे लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड में मेबो दम्बुक रोइंग। और उस दिन जो होटल ढूंढ ढूंढ के आए थे ना, ये वाला जो घर है बस एग्जैक्टली ये जगह तक आए थे हम होटल ढूंढते ढूंढते। और जब बोल रहे थे होटल में कांड हो गया, वो ये हो गया कि जो राइनुक्स का टैंक बैग का जो बकल होता है साइड का बकल, वो बाइक के साथ मैं बांध के रखता हूँ। मैं कोई बच्चा होगा मेरे ख्याल से शायद इसको निकाल के ले गया, कल रात तक था शाम तक था, उसके बाद सुबह को देखता हूँ तो बकल गायब। सो अभी जुगाड़ करके बंजी वगैरह टाई करके जा रहा हूँ, देखते हैं अलग से अगर ऑर्डर करने से मिलता है तो ज़रूर ऑर्डर कर लेंगे। बाय बाय लोकल लोग, बाय बाय करते हुए पूरा एकदम ताबड़तोड़ शिकार पे निकले हैं बंदूक बंदूक लेके। और बोल ही रहे थे बारिश की संभावना है और बारिश की बूंदे, हल्की पुल्की बूंदे स्वागत कर रही है हमारा इन दिस 3000 किलोमीटर राइड। वी ऑलरेडी डन अराउंड 1400 किलोमीटर स्टिल नाउ। हाय हाय, पिकनिक खा रहे भाई लोग। और नदी देखो ना, नदी का बहाव, पानी देखो कितना साफ लग रहा है, पानी देख के नहाने का मन कर रहा है। ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त, वाव। एक भी गाड़ी ट्रक कुछ भी क्रॉस करता है ना, पूरा ब्रिज हिलने लगता है ऐसे स्प्रिंग काइंड ऑफ। हाय हाय क्या नज़ारा है भाई। सो गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है हल्की फुल्की वाली, तो यहाँ का नज़ारा देख के लगवा लिया टैंक बैक का कवर। वाओ ब्यूटीफुल कॉर्नर। और नेक्स्ट स्मॉल टाउन विल बी मेबो, व्हिच इज़ अराउंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आज कुछ भी नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है अरुणाचल में, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम चल रहा है उसके चलते द एंटायर अरुणाचल में इंटरनेट का सर्विस बंद है आज। सो नो अपडेट्स, नो नथिंग, नो वीडियो अपलोडिंग, सो कुछ भी नहीं, सिंपली राइडिंग एंड एन्जॉइंग द नेचर। और यहाँ पे पूरा पानी सूख चुका है, कम्प्लीटली रॉक रॉक जोन, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा ये क्या चीज़ का गार्डन है याद नहीं आ रहा है, क्या चीज़ का गार्डन था ये, ऑरेंज गार्डन था क्या ये, मेरे ख्याल से ऑरेंज गार्डन ही लग रहा है मुझे। आज मैं और राजेश भाई एक साथ जा रहे हैं, बाकी के सारे राइडर्स पेलम पुलाई करके भाग गए। जब पहले मैं निकला था ना गाड़ी को लेकर, ये वाला बाइक को लेकर, मैं सोच रहा था इस बाइक पे कॉर्नरिंग वगैरह सही से नहीं होगा, बट बढ़िया है यार, कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम आराम से लीन हो जाता है गाड़ी। उतना टॉप लीन एंगल नहीं है जितना आपका RC 390 में है, बट अब हाँ आप एंजॉय कर सकते हो घाट सेक्शन में। फिलहाल जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, पूछो मत, आपका भी मन लाल चाह लप लप कर रहा होगा। वाह, बाय 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 बाय। Trying to bide our time, we know it's all done. Take about you win. Swim against your tide, it keeps pulling me in. We fight, we fall, can we rise through it all till we find what we want. So kya likha hai guys? वेलकम टू सिलुक विलेज, एक फ़ोटो ले लेते हैं। सो बहुत देर बाद एक बड़ा सा माइलस्टोन देखने को मिला, कि क्या लिखा है, दाम्बुक 22 रोइंग 55 मायोदया पास 111 किलोमीटर्स नामसाई 311। अरे बाप रे, ये सब तो बहुत दूर है, इतना अंदर गांव में रास्तों का कंडीशन देखो, व्हाट अ ब्यूटी मैन। और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन का मीटिंग चल रहा है। सो गाइस, अभी पहुँच चुके हम अवहाली, और यहाँ से बॉस जो नज़ारा मिल रहा है ना, तो हमारे निको भाई हमारे लिए फ़ोटो खींच के दिए। इधर देखो ताबड़तोड़ और तबाही वाला नज़ारा मिल रहा है। इधर में एक लोकल भाई साहब मिल गए थे, उनके थ्रू पता चला कि दाम्बुक में ब्रिज है जिसको क्रॉस करने के बाद हम लोग रोइंग की तरफ रवाना करेंगे। रोड ऐसा नहीं था अभी, तो रोड देखो ना चकाचक, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बोमडिला से दिरांग के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। सो बाय बाय, ब्यूटीफुल प्लेस, चलो आगे। और यहाँ से दाम्बुक है ओनली 12 किलोमीटर्स, सूखा हुआ झरना ऑन माय लेफ्ट। वाओ, ए
एकदम सेक्सी कर्व्स, ऐसे 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 नीचे जाना पड़ेगा। और हाँ, ऊपर में जो रुके हुए थे हम लोग, बहुत सारा आसाम का गाड़ी देखने को मिला, AS11 का गाड़ी देखने को मिला था। AS11 कौन सी जगह का है भाई? ओ ये राजू, ये तो पूरा चट्टान माफिक पहाड़ी है रे बाबा, एकदम भूटान वाला फीलिंग आ रहा है। कौन सा ब्रिज है ये? सिसेरी ब्रिज, सिसरी सिसरी ब्रिज, ओके। डेडिकेटेड टू द नेशन बाय श्री राजनाथ सिंह। और राइट हैंड साइड में जो रेत है ना, रेत का कलर देखियो, पिंक कलर का लग रहा है। देखो लैंडस्लाइड हुआ है जस्ट नाउ आई गेस, ऊपर से गिर चुका है पत्थर। और इसी तरह से ऊपर से एक बार तवांग जाते वक्त पत्थर गिरा था, और उसी पत्थर से हमारा यामा R3 का फ्रंट एलॉय टूट गया था। 2018 का अप्रैल वाला ट्रिप टुवर्ड्स तवांग, द ओनली प्लेस जो छूट गया है नॉर्थ ईस्ट में वो है मिजोराम। होपफुली कर लेंगे भविष्य द फ्यूचर में। फिलहाल पहुँच चुके हैं यपगो विलेज, द नेम ऑफ दिस विलेज इज यपगो विलेज, यपगो टपाट विलेज। बाप रे बाप, सपाट से पहुँच गया टपाट विलेज, बाप रे बाप। गुवाहाटी तो बहुत दूर है, लेकिन गुवाहाटी अभी नहीं जाना है, बहुत दिन बाकी है गुवाहाटी पहुंचने के लिए। हल्का पुल्का मोनेको वाला ऑफ रोड, क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, लोअर दिबांग वैली, दाम्बुक। ओके दाम्बुक पहुंच चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, कहा निको का है? हमारे निको भैया जो है गाड़ी घुमा लिए है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ, फॉगलेट निकल गया? वो कहाँ मिलेगा भाई, इतने स्पीड में आ रहे हम लोग, कहाँ मिलेगा उसका? वो फॉगलेट गिर गया, नट गिर गया फॉगलेट का। हम सोच रहे थे उसका वो सेकेंडरी गोप्रो जो है वो गिर गया, चलो नट गिरा है कोई ना, रोइंग में कोई नट मिल जाए गैरेज में वही लगवा लेंगे। हमारा मंजिल इस साइन बोर्ड में है ही नहीं, रोइंग है यहाँ से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद में जो सफ़र शुरू होगा वो होगा ऐसे खड़ाई वाला, 50 किलोमीटर अप हिल। सो गाइस, थोड़ी देर पहले जो निको भाई का गोंडोगोल हो गया था, अभी रस्सी से बांध रहे फॉग लाइट को। ये देखिए भूखे नंगे बैठे हुए हमारे इरफान भाई। उस दिन पासीघाट आते वक्त जो माइलस्टोन दिखाया था ना बोमजीर वाला, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बोमजीर। एंड आई गेस गाइस दिस इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स रोइंग टू पासीघाट वाया दिस यू नो बोमजीर। साइड में जितना भी देख रहे हो ना नदी वगैरह, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग था। ऑफ रोडिंग ट्रैक में मैं R3 लेके गया था फ्रॉम होदिया टू पासीघाट। लुकिंग ग्लास में तो देखो क्या दिख रहा है, वो देखो मस्त पहाड़ी है पीछे, वाव। सो आगे में जो इंटरसेक्शन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है। आगे से हम लोग लेफ्ट लेंगे ना तो रोइंग और मायोदय वाले रोड में चले जाएंगे, और आगे से अगर राइट लेंगे ना तो दोस्त हम पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स होदिया, फिर आपका ढोला होदिया ब्रिज। और वही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप तिनचुकिया साइड से आते हो ढोला होदिया क्रॉस करके रोइंग पहुँचने से पहले ये वाला इंटरसेक्शन मिलता है, जहाँ से जाना पड़ता है स्ट्रेट टुवर्ड्स मायोदिया। और अगर आप पासीघाट की तरफ आना चाहते हो वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके ये रोड, और हम लोग जैसे आपको पता है पासीघाट से आ रहे हैं तो इस रोड से जाके हमें टी पॉइंट में फिर से हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट। और इस गेट में एक फ़ोटो मैंडेटरी। क्या क्या हाँ सिराज खान सब्सक्राइब किया था? अच्छा कल देखा वीडियो। अच्छा 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 बढ़िया। अच्छा ब्रिज के उस पार में खाना मिलेगा, खाना कौन सा ब्रिज है भाई? ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रिज, पता नहीं कौन सा, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सुंदर है। ओ हो, फॉगी फॉगी वेदर, क्या ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है यार, नदिया के पार में, नदिया के पार में। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं नारू का कुछ ढाबा है, और यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है थाली वाली सूखा नदी सूखा। जी हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी है सामने, लेकिन बहुत दूर में है, अगर कंप्लीट रहता ना पानी तो ज़्यादा अच्छा लगता, फिर भी वादियों का मज़ा लेते हुए अब खाना खाएंगे, उसके बाद मायोदिया। सो खाने पीने का प्रोग्राम सेट, और असली वाला एडवेंचर यहाँ से चालू होने वाला है, और बारिश भी शुरू।
बारिश पीछा नहीं छोड़ रही यार, जहाँ पे थोड़ा एडवेंचर करने का मौका मिलता है ना, ऊपर वाला भर भर के एडवेंचर डाल देता है। अभी टेंशन मेरे को ये हो रहा है कि जोर से ना गिरे बारिश बस। राइट नाउ द टाइम इज़ 4:14 एंड फ्रॉम हियर मायोदिया इज़ अराउंड 54 किलोमीटर्स। मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरे बाप रे बाप, उधर देखो ना सनसेट एकदम गोल्डन गोल्डन सनसेट हो रहा है। वेलकम टू मायोदिया पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा भाई पहुँचने तो दो मायोदिया पास, अभी से हल्ला चिल्ला शुरू कर रहे हो। वाह लुक एट दिस, वाह रेड, वाह ब्यूटिफुल। रोड फिलहाल तो काफ़ी सही लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा देर तक ऐसा रहने वाला है, क्योंकि जब खाना खा रहे थे ना, खाना खा के निकलने के बाद में एक लोकल से पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि 7-8 किलोमीटर्स तक अच्छा रोड है, उसके बाद तो बर्बादी चालू। तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है सही वाला रोड। तो यहाँ पे गेट क्लोज मिला, हम थोड़ा कन्फ्यूज़ आ गए थे, तो एक लोकल से पूछने के बाद पता चला कि गेट खोलना पड़ता है फिर जाना पड़ता है। चलो आ जाओ जा बाकी के मेंबर्स। हाँ पहले भी था लेकिन ऐसा गेट लगा हुआ नहीं, तब खुला हुआ था। चलो 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 ऑफ रोडिंग चालू। अरे ख़त्म हो गया क्या इतनी जल्दी? आई वॉज थिंकिंग मिलेगा शायद थोड़ा बहुत। हाय हाय हाय, डेंजर रास्ता, डेंजर रास्तों के बीच में से निकलना पड़ रहा है हमें फिलहाल। एकदम ज़बरदस्त बढ़िया, वाह कीचड़ और मिट्टी वाला रोड। तिवारी गांव, अच्छा ये तिवारी गांव के बारे में बोल रहा था लोकल बंदा कि तिवारी गांव तक जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम वहां से भी लगता है मायोदिया तक। आ जंगल में स्वागत है, अंधकारे आलम, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत 25-30 के स्पीड में जा सकते हैं बस, काफ़ी नैरो रोड है। हाय हाय जंगल में आवाज़। हाफ वे डन, यहाँ से जितना दूर आए उतना दूर और बाकी है, और बाकी के राइडर्स के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी पीछे रह गए। ऐसा बात ही तो, इसमें थोड़ा लाइट वगैरह है, बाकी तो पूरा जंगल ही जंगल है, कहाँ रुकोगे गाड़ी, खतरनाक वाला जंगल है। आगे जा रहा है ना, हाँ पेड़ हाँ पेड़ पौधे लगता है इंसान खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है ना जंगल में, भाई भयानक है भाई। भाई 2015 में अकेले आया था मैं वही बोला, मेरा तो दिन में आया था ना, मैं दिन में आया था, लेकिन फिर भी अकेला आया था ना, एक भी बाइकर नहीं दिखा था मुझे। तो सारे भाई लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी एक ही साथ में जाना है, पूरा फॉग फॉग फॉग, ये देखिए पूरा फॉग है चारों तरफ, नीचे से जो क्लाउड देख रहे थे ना, उसी क्लाउड के अंदर में अब चला रहे गाड़ी हम, ठंडा ठंडा कूल कूल। सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं बाकी के भाई लोगन। ओ भाई साहब क्या ठंड है भाई, चारों तरफ धुंध द फॉग चल रहा है, धुंध द फॉग। ओ भाई ओनली 13 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर मायोदिया पास, बाकी रहने का कुछ इंतजाम नहीं किया है, जाके देखते हैं कहाँ झंडा गाड़ सकते हैं। पहुंच चुके मायोदिया पर साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है भाई साहब, साइन बोर्ड कहाँ पे है? ओके फाइनली गाइस, हियर इट इज रिटन, वेलकम टू मायोदिया पास 2655 मीटर्स। भाई साहब कैसन वाह पहुंच गई, इस ठंड में हालत हो गई कर की। ओह फाइनली मायोदिया पास। चलो भाई होटल ढूंढो, अभी सुबह को दिखाएंगे सही से। दिस विल बी आवर स्टे फॉर टुनाइट, दिस इज माया होटल, जैसे तैसे करके मिल गया, पूछे कि खाना मिलेगा तो खाना भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं है, अभी लगेज उतारते और अंदर जाते, लेट्स गो। सामान बीमान जो कुछ है रख चुके हैं, और खाने का ऑर्डर किया था चिकन राइस, राइस है कि नहीं? तो ये रहा चिकन राइस, चिकन दाल भात और आलू मटर
सब्जी, अभी खाना वाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। यहाँ पे लाइन वगैरह कुछ नहीं है तो एडिटिंग का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी लैपटॉप में थोड़ा बहुत जो चार्ज बचा हुआ है उसको बैटरी है तो उसमें डाटा वगैरह जो है कॉपी करेंगे, उसके बाद लुढ़क जाएंगे। कल सुबह बाय बाय कर रहे हमारे नैन भाई और राजीव भाई, है कि नहीं? तो नैन भाई को मिले थे आप सरलपारा में, इस बार तो पूरा कंप्लीट ट्रिप में भाई साहब आधे तक कंप्लीट नहीं हुआ, आधे तक भाई ने साथ में किया है राइट। इनका कल यहाँ से बाय बाय टाटा हो जाएगा। इन केस यू डोंट नो हिज चैनल नेम, ट्रेवलर नयन, इनका चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सपोर्ट कर दीजिए। और राजीव भाई का कोई चैनल है नहीं, शाउट आउट देके फायदा नहीं। सबसे कूलेस्ट बंदा राजीव भाई, खाओ पियो ऐश करो मजे में जियो, है कि नहीं? यस। एडिटिंग का कोई झमेला ही नहीं है। और इधर में मैक्स थ्रॉटल, ये तो हमारा तो रहने वाला है, इसका भी चैनल है मैक्स थ्रॉटल, इनका चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ये भाई हमारे साथ कंप्लीट करने वाला, कंप्लीट इनका कंप्लीट। और नोका ब्लॉग्स उस तरफ है, उनका चैनल का लिंक 2 महीने बाद किसी एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वाला किसे मुख। तो आज के लिए इतने दोस्तों, या तो वीडियो देखो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ, ऑलवेज राइट सेफ माय ब्रदर, एंड डोंट ट्रैवल इन माटर। बाय 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 बाय। I'm not afraid to die.